नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएचयू पाठशाला में। तो फाइनली आपके बीए के एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो चुके हैं, तो आप मुझे ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोग के एग्ज़ामिनेशन कैसे हुए। ठीक है, अच्छे हुए या कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए, और स्पेशली आप मुझे हिंदी का भी बताइएगा ज़रा। ठीक है, कि आप लोग के कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। ओके, तो हम आपके लिए आज के वीडियो में लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पेपर्स थे उसके हिंदी सेक्शन का सल्यूशन। ओके, उसके हम आपको करेक्ट आंसर्स बताएंगे, तो आप उससे मैच कर लेना कि आपके कितने करेक्ट हुए हैं और कितने रॉन्ग हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इन कवियों को काल क्रमानुसार बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, फर्स्ट आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, ठीक है, उसमें आपके चार ऑप्शन थे, तो उसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथन आई और आई आई, मतलब कथन पहला और कथन दूसरा दोनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चौथा ऑप्शन, ठीक है, धूमिल। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सूची पहली के साथ सूची दूसरे का मिलान करना था आपको, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन। अगला देखिए, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके रचनाकाल के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए, ठीक है, तो इसका आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। और उसके बाद है कि पहले सूची का दूसरी सूची से मिलान करना है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, ठीक है। उसके बाद है, दोहा छंद में कविता लिखने वाले कवि, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, ठीक है। और उसके बाद है, जायसे की कृति वाला क्वेश्चन जो है, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा। अगला है, अनामिका किसकी रचना है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निराला पहला, ठीक है। और उसके बाद, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, इस पंक्ति के जो कवि हैं वो कौन है, तो वो आपके हो जाएंगे कबीर, ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है, रंगभूमि का केंद्रीय पात्र, तो उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सूरदास, ठीक है। कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, परख। ओके, और उसके बाद है, सूची पहले के साथ सूची दूसरे का मिलान कीजिए, ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा। ओके, उसके बाद है, मानसरोवर कहानीकार किस कहानीकार का कहानी संग्रह है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद, ठीक है, तीसरा। अगला प्रश्न है आपका, भीष्म साहनी का कहानी संग्रह कौन सा है, ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग्य रेखा। ओके, और उसके बाद है आपका कि सूची पहले को सूची दूसरे के साथ मिलान करना है, ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। उसके बाद है, शुक्ल युग के निबंधकार नहीं हैं, ठीक है, तो उसमें आपका हो जाएगा आचार्य चतुरसेन शास्त्री तीसरा, ठीक है। उसके बाद है, बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है, प्रताप नारायण मिश्र किस युग के निबंधकार हैं, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद है, मोहन राकेश का नाटक नहीं है, ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंजु दीदी तीसरा। ओके, उसके बाद देखिए, सूची पहले का सूची दूसरे के साथ आपको मिलान करना है, ठीक है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा। ओके, उसके बाद है, कोणांक किसका नाटक संग्रह है, ठीक है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, जगदीश चंद माथुर, ठीक है। और इसके बाद है कि सूची पहले का सूची दूसरे के साथ मिलान करना है, तो
इसमें देखिए, इसमें एक कन्फ्यूज़न ये है कि उन्होंने खुद ही यहाँ पे दो जो दिया है, यहाँ पे दो रेखा चित्र और अतीत के चलचित्र, वो दोनों ही महादेवी वर्मा की रचना है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने ये क्वेश्चन, मुझे लग रहा है कि ये कुछ क्वेश्चन गलत है, ठीक है, तो उसे देखना पड़ेगा। तब तक के लिए अगर हम माने तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, ठीक है। अभी ये हम अनुमान से कह सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन ही पूरा गलत है, ठीक है। अगला है, गेहूं और गुलाब रेखा चित्र के लेखक कौन हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामवृक्ष बेनेपुरी, मतलब तीसरा। उसके बाद है, राहुल सांकृत्यायन की संस्मरण कृति है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बचपन की स्मृतियाँ, ठीक है। अगला है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, मतलब तालु। उसके बाद है, यथार्थ में कौन सी संधि है, तो यहाँ आपका हो जाएगा दीर्घ संधि। उसके बाद है, वर्णमाला के वर्गों को बढ़ते हुए क्रम में आपको लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा। उसके बाद है कि सूची पहले का सूची दूसरे के साथ आपको मिलान करना है, ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा। उसके बाद है, तार सप्तक के संपादक कौन है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, ठीक है। तो आप लोग मैच कर लीजिए इस आंसर की से, ओके। और आई होप आप लोग का बहुत अच्छा गया होगा, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बात बताएंगे कि किसका कितने सही हुए हैं, ठीक है। और हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए, देखते रहिए बेचू पाठशाला। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, ओके, थैंक यू।